ऑल राइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कोई सी भी वीडियो में आईफोन 13 प्रो मैक्स का विविड फिल्टर इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो आप कोई सी भी वीडियो उठा लो, उसमें हम विविड फिल्टर लगाना आपको सिखा देंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और आज के इस वीडियो में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उससे पहले वीडियो को देख लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और उसके बाद आप कोई सा भी एक वीडियो सिलेक्ट करके ओपन कर लेना। लाइक ये वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ। अब वीडियो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर ओके पे क्लिक करना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है जिससे आप ये वाला फ़िल्टर डाउनलोड कर सकते हो, तो उस लिंक से इस फ़िल्टर को डाउनलोड कर लेना। एंड देन उसके बाद उस फ़िल्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करके और यहाँ से एक फोल्डर बना लेना, कोई सा भी नेम दे देना। उसके बाद क्रिएट फिल्टर लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना। तो देख सकते हो वो फ़िल्टर यहाँ पर आ चुका है, न्यू फोल्डर करके यहाँ पर फ़िल्टर आ चुका है। तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप इसको चाहो तो इसका ओपेसिटी थोड़ा कम भी कर सकते हो, और उसके बाद फिर एडजस्ट में आना। अब यहाँ से आप एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपको जैसा चाहिए अपने वीडियो में उस हिसाब से मैनेज कर लेना। और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको अब डन पे क्लिक कर देना है। और आप वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो तैयार हो चुका है। तो वीडियो देखो कितना मस्त लग रहा है इसमें ये इफेक्ट। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पे ब्लू वाले एरो पे क्लिक करना, देन उसके बाद आप जैसा सेटिंग रखना चाहते हो वैसा सेटिंग रख लेना। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना, तो आपकी वीडियो गैलरी में सेव होने लग जाएगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही कमाल की वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। It's caught in the crossfire.